ऑफिस तो ये हमारा पहले से ही था, दिल्ली प्रदेश का ऑफिस था। आज जो हमारा मेन मकसद था कि नेशनल अकाली दल की जो टीम थी, काफ़ी समय से हम लोगों ने नहीं की, पीछे हमने ये टीम को भंग कर दिया था, पूरी टीम को, क्योंकि कई लोग जो कोरोना काल में जो हमारे बीच में नहीं रहे, और दूसरी बात क्या है कि कई लोग जो कार्य नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ हमें देखा कि ये कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उन लोगों को चेंज करना था। तो आज जो नेशनल अकाली दल की टीम का मकसद हुआ वो ये हुआ कि जिसमें हमने ये पहली बात तो नेशनल अकाली दल कोई राजनीतिक दल नहीं है, उसका मेन मकसद है सामाजिक तौर पे जो आवाज़ को उठाना, चाहे वो देश में हो या विदेश में, किसी प्रकार के भी भारतीयों को कोई दिक्कत हो उस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना और अपने भारतीयों के लिए हित के लिए लड़ना। तो वो जो 25 सालों से हम करते आ रहे हैं उसी को लेकर हमारी जो टीम है, आज जो कोर कमेटी ले लीजिए उसकी टीम को डिक्लेयर किया गया है, जिसमें हमारे जो नेशनल लेवल के कुछ लोगों को किया गया, उसके साथ साथ जो हमारे जिस प्रकार विंग के हैं कुछ लोगों को, उनको अध्यक्ष के नाते उनको जोड़ा गया है, क्योंकि ये लोग आगे अपनी टीम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है उसकी जो रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी जो भी आती हैं वो आती तो आम लोगों के मुद्दों के लिए है, मगर जब आम बंदों की बात आती है या आम बंदों के मुद्दों की बात आती है तो वो लोग चुप बैठ जाते हैं, वो सत्ता में जाकर कोई कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमने उन लोगों को चुना है जिनको सत्ता से नहीं समाज से प्यार है, जो समाज के हित के लिए लड़ना चाहते हैं। तो हमारे जो आज की टीम डिक्लेयर की गई है, जिसमें दलजीत सिंह चग्गर जी को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उनके साथ धर्मवीर अनंत जी को, मंजीत सिंह जी को भी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, बिंदिया मल्होत्रा जी को नेशनल जनरल सेक्रेटरी, और साथ में इनको इंचार्ज बनाया गया है महिला विंग का, सतपाल सिंह भंगा जी जो उनको भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, रश्मीत कौर बिंद्रा जी को ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी बनाया गया है नेशनल में, जसवीर सिंह जी और आईपीएस बेदी जी को ये नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे आईवा की अध्यक्ष भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, और उसके अलावा बम्बे में एक्टर भी हैं, सब कुछ है, दलजीत कौर जी जो हमारी सोशल विंग की नेशनल प्रेसिडेंट बनाई गई है, सोशल विंग के ऊपर ये काफ़ी काम करते रहती हैं, इसलिए इनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में ये लोग जोड़ेंगी, क्योंकि मेघालय में भी इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, महाराष्ट्र में भी है, और भी कई जगह पंजाब वगैरह सब जगह पंजाब में भी ये फंक्शन करने जा रही है। और भावना धवन जी जो हमारे चौथी बार जो अपने अध्यक्ष बनी है महिला विंग की, उनको दोबारा से ये पद दिया गया है। उसके साथ साथ कुलदीप सिंह मरवा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का पद दिया गया है, वरिंदर कौर जी को हमने दिया है अपना प्रचार धर्म प्रचार विंग का जो अध्यक्ष बनाया गया, और बलविंदर सिंह सरना जी जो हैं उनको यूथ का दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया। तो हमने जो भी है समाज के हीरो को लेकर ये टीम बनाई है, हमारी वो नहीं है कि हमने दल बल ऐसा दिखा के इकट्ठा करके लोगों का पैसा वेस्ट करके वो चीज़ करनी है, हम तो एक वो लोग हैं जो सड़कों पे खड़े होकर काम करने वाले लोग हैं। हमारा मकसद ये नहीं है हम बड़े बड़े हॉल बुक कर आके वहाँ पर दिखावा करके भई आप लोग ये करिए, हम सामाजिक तौर पे काम करेंगे, हम हॉल भी बुक कराएंगे, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए बुक कराएंगे जो समाज के हीरे हैं, समाज के लिए काम करने वाले हैं। हम ये नहीं है कि हर छोटी छोटी चीज़ों पर इस प्रकार का, क्योंकि हम ना तो किसी से फंड लेते हैं, ना हमारा ये मकसद है कि फंड लेने का, ना राजनीतिक तौर पर कोई मकसद है। हम लोग अपनी जेबों से पैसे खर्च करके समाज के हितों के लिए कार्य करने के लिए इकट्ठे होते हैं। जो जो चीज़ हमें गलत लगती है, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बच्चों की फीस का मामला हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या हमें लगता है कि बच्चों को ऑनलाइन गेमों के नाते बिगाड़ा जा रहा है, उन मुद्दों को लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेशों में, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमारे फौजियों को कभी कोई दिक्कत आएगी, हमारे भारतीयों को कोई दिक्कत आएगी, नेशनल अकाली दल पूरे देश के साथ, पूरे फौज के साथ खड़ा है। बिंदिया मल्होत्रा, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी, आज मुझे जो ये पद दिया गया है, मैं इसके लिए बम्मा जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विश्वास दिलाया है मुझ पर कि हम जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं, और मैं आश्वासन भी दिलाती हूँ कि आगे भी हम लोग जो है इसी तरीके से काम करेंगे, संगठन बढ़ाएंगे और उस पर काम करेंगे। वैसे तो काफ़ी सालों से सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करती हूँ, सेफ गर्ल चाइल्ड, डोमेस्टिक वायलेंस, कैंसर अवेयरनेस के, इसलिए मैं प्रोग्राम्स करती हूँ ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, रूरल एरियाज़ में। तो नेशनल अकाली दल का भी साथ मिला है, तो इसको हम बड़े लेवल पे और कर सकते हैं।
मेरा जो मेन मकसद मेरी एनजीओ की तरफ से था कि मैं विमेन के लिए ज़्यादा काम करूं और उनको अपना एक सेल्फ रिकग्निशन दिलवाऊं, तो उसके लिए मैं कर रही थी। मम्मा जी ने आज जो एक नया एक मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मैं कोशिश करूँगी हिंदुस्तान की जो लेडीज़ जिनको मैंने ऑलरेडी अपने साथ जोड़ा है उनको नेशनल अकाली दल के साथ जोड़े और वो अपने अपने शहरों में इन अवेयरनेस का आवाज़ उठाएं ताकि वो सोसाइटी में चेंज लाए, बिकॉज नेशनल अकाली दल का यही मकसद है कि सोसाइटी को चेंज करना। और आज मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली इतने सारे लोगों के साथ, अब मैं कार्य और ज़्यादा कर सकूँ।